हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही शुभ योग के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसे कि नारी ज्योतिष में जीवात्मा योग का नाम दिया गया है। एक ऐसा योग जिसके कि कभी भी कोई नेगेटिव इफेक्ट्स देखने में नहीं आते, जिस भी चार्ट में मिलता है केवल पॉजिटिव इफेक्ट्स ही देता है। ये योग है गुरु और सूर्य का युति संबंध या इनका त्रिकोण संबंध। गुरु सूर्य की युति या इसके त्रिकोण संबंध को ज्योतिष में जीवात्मा योग कहा गया और बहुत ही शुभ योग माना गया है। जीवात्मा योग इसको क्यों कहा गया है, क्यों नारी ज्योतिष में इसको जीवात्मा की संज्ञा दी गई है, सबसे पहले हम इसी पर बात करते हैं और फिर आएंगे इसके प्रिडिक्टिव पार्ट्स पर कि जब ये किसी नेटिव के चार्ट में मिलता है तो उसको किस तरह का लाइफ स्टाइल देता है, किस तरह के शुभ परिणाम देता है और कब कब उसके जीवन में तरक्की आती है। जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में आपसे कहा है, सूर्य को ईश्वर का कारक माना गया है, आत्मा का कारक माना गया है, एनर्जी का कारक माना गया है और गुरु नारी ज्योतिष में जीव कारक ग्रह है। वो शक्ति जो हमारे शरीर में हमारी नाड़ियों में प्रभावित हो रही है और हमें जीवन शक्ति प्रदान करती है। तीन फैक्टर होते हैं, पहला मंगल हमारा शरीर, दूसरा फैक्टर है गुरु जो कि जीव है, जो प्राण शक्ति है, और तीसरा फैक्टर है आत्मा सूर्य। जब गुरु और सूर्य का मिलन किसी चार्ट में होता है तो क्योंकि ये मिलन होता है जीव और आत्मा का, यानी कि आपकी प्राण शक्ति और आपकी आत्मा का, इस वजह से इस योग को नारी ज्योतिष में जीव आत्मा साम योग कहा गया है। जब भी किसी नेटिव के चार्ट में आपको ये योग मिलेगा, आप देखेंगे ऐसे लोगों का जीवन काफ़ी लंबा होता है, ऐसे लोगों के पास जीवन जीने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है, जीवन के प्रति काफ़ी हर्षोल्लास से ये लोग भरे हुए होते हैं, जीवन के प्रति काफी पॉजिटिव इनका व्यू होता है। सूर्य आपकी आत्मा है और गुरु जीव है, इस वजह से ये भी कहा जाता है जब किसी नेटिव के चार्ट में ये योग मिलता है तो वो व्यक्ति उसी परिवार में पहले भी जन्म ले चुका होता है और अपने किसी पुराने ऋण बंधन को उतारने के लिए वो दोबारा से जन्म लेता है, क्योंकि ये योग है आपके 5 और 9 भाव का। पंचम भाव आपकी संतान का भाव कहलाता है और नवम भाव आपके पूर्वजों का भाव कहलाता है, यानी कि आप अपने किसी पूर्वज का ही स्वरूप है या फिर आपकी संतान आपके किसी पूर्वज का ही स्वरूप है जो कि अपने किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर, इस परिवार में, इस कुल में वापस जन्म लेती है। सूर्य कॉन्फिडेंस को शो करता है, एनर्जी को शो करता है, और जब आप देखेंगे गुरु और सूर्य का योग किसी चार्ट में मिलता है तो ऐसे लोग आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट मिलेंगे। इन लोगों का स्वयं पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। कॉन्फिडेंस भी दो तरह का होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। गुरु और सूर्य का योग देता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस देता है। ये लोग खुद पर विश्वास रखते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। इन लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सूर्य पॉजिटिव एनर्जी का कारक है। इस संसार में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसका कारक सूर्य है, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा ही नहीं, इस संपूर्ण संसार को चलाने वाली ऊर्जा का कारक है, इसलिए ये लोग ऊर्जा से भरे होते हैं। आप देखेंगे जिन लोगों के चार्ट में ये योग मिलता है उन लोगों के फेस पर एक स्पेशल अट्रैक्शन मिलेगा, एक स्पेशल ग्लो मिलेगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव आपके जीव पर, आपकी शक्ति पर, जीवन शक्ति के ऊपर आता है। और सूर्य तो आप जानते ही हैं, जैसे आपने देखा होगा जब भी सूर्य उदय होता है चहु और प्रकाश भर जाता है, तो इसी तरह की क्वालिटी इन लोगों के अंदर होती है। ये जहाँ भी जाते हैं, जैसे भी एटमॉस्फेयर में जाए, वहाँ पर एनर्जी भर देते हैं, अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपनी प्रेजेंस से ही ये लोग एनर्जी भर देते हैं। सूर्य आपके पिता का कारक भी है, नारी ज्योतिष में सूर्य को पिता का फिक्स कारक माना गया है। जब किसी नेटिव के चार्ट में सूर्य और गुरु का योग होगा तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के जन्म के बाद पिता का स्टेटस हाई होना शुरू हो जाता है। जनरली ये देखा गया है जिन लोगों के चार्ट में ये योग होता है उन लोगों का जन्म ही एक सम्मानित फैमिली में होता है, और किसी वजह से जन्म से पहले अगर मान लो किसी के पिता का स्टेटस डाउन है या पिता की स्थिति कमजोर थी, तो जिन लोगों के चार्ट में ये योग होता है उन लोगों के जन्म के तुरंत बाद से ही उनके पिता की तरक्की होनी शुरू हो जाती है, उनके पिता को नेम फेम मिलना शुरू हो जाता है।
इनके पिता सामाजिक स्टेटस प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। जैसा मैंने कहा कि नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि इन लोगों का जन्म एक पॉलिटिकल फैमिली में होती है, एक बहुत सी सम्मानित फैमिली में होता है, क्योंकि सूर्य स्टेटस को शो करता है और गुरु है ब्लेसिंग। सूर्य आपका पिता है, यानी कि आपके जन्म के बाद आपके पिता को ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो गई क्योंकि वो गुरु है। और क्योंकि सूर्य और गुरु का संबंध स्टेटस को शो करता है, प्रेस्टीज को शो करता है, तो इसलिए अक्सर देखा गया है कि इन लोगों का जन्म अच्छी ही फैमिली में होता है। इन लोगों के पिता समाज में एक ऐसे पद पर होते हैं जो लोगों को गाइड कर सके, जो एक समूह का संचालन कर सके, इसलिए बहुत ही पॉलिटिकल फैमिली अक्सर इन लोगों की देखी गई है। और पॉलिटिकल ना भी हो तो इस तरह की फैमिली जरूर होती है कि जिनका लोग इसलिए सम्मान करते हैं कि वो समाज को एक नई दिशा या एक नई धारणा देने में सक्षम है। ये योग वाले जातक आप देखेंगे अपने जीवन में एक बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छा नेम फेम खुद भी कमाते हैं। अगर सूर्य से ज़्यादा डिग्री का गुरु है तो आप देखेंगे ऐसे लोग समाज में, सोसाइटी में और राज के स्तर पर भी बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। राज के स्तर पर नाम इसलिए कमाते हैं क्योंकि सूर्य राज्य का कारक है और गुरु, जैसा मैंने आपको भी बताया, ब्लेसिंग का कारक है। तो इस वजह से ये लोग सामाजिक रूप से बहुत संपन्न हो जाते हैं। आप देखेंगे किसी टीचर का चार्ट आप देखिएगा, उसके चार्ट में आपको ये योग मिलेगा। आप किसी अच्छे डॉक्टर का चार्ट देखिएगा, आपको उसके चार्ट में ये योग मिलेगा। आप किसी बड़े पॉलिटिशियन का चार्ट देखिएगा, उसके चार्ट में आपको ये योग मिलेगा। इन लोगों के जन्म के 5, 7 और 12 साल, इन सालों में इनके पिता की बहुत ज्यादा तरक्की होती है, क्योंकि गुरु अपनी ब्लेसिंग सूर्य को इन सालों पर देता है। आप देखेंगे जब किसी नेटिव के चार्ट में ये योग मिलता है तो इन लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि सूर्य के आसपास ही बुध होता है। और बुध, मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि बुध हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल का कारक है, हमारी बुद्धि का कारक है, हमारी शिक्षा का कारक है। तो इसलिए जनरली देखा गया है कि ये लोग बहुत ही पढ़े लिखे, समझदार और इंटेलिजेंट होते हैं। 5 या 10% चार्ट के आपको गुरु और सूर्य की युति वाले ऐसे मिलेंगे जिसमें कि लोग पढ़े लिखे ना मिले, रेयरली ऐसे चार्ट मिलते हैं। वो क्या कंडीशन होती है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। गुरु आपकी नाक का कारक है, नाड़ी ज्योतिष में गुरु को नाक का कारक भी माना गया, और सूर्य, जैसे मैंने आपको बताया, प्रकाश का कारक है। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की नाक देखने में बहुत सुंदर होती है, बहुत ही तेजस्वी होती है, इनका चेहरा ही इनकी प्रेजेंस बताता है। सूर्य आपके पंचम भाव का स्वामी होने के कारण आपकी संतान को भी शो करता है। तो आप देखेंगे जिन लोगों के चार्ट में ये योग है, उन लोगों की संतान भी, उनके पिता ही नहीं, वे ही नहीं, उनकी संतान भी बहुत जीवन में तरक्की करती है। उनका कम से कम एक पुत्र समाज में अपने पिता से अच्छा स्टेटस प्राप्त करता है। और अगर ये योग किसी नेटिव के चार्ट में है तो डेफिनेटली उसको कम से कम एक पुत्र संतान जरूर होती है। इस योग के बिना कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति कर ही नहीं सकता। आप देखेंगे जब तक ट्रांजिट में, गोचर में गुरु और सूर्य का संबंध नहीं बनेगा तब तक कोई व्यक्ति पिता बन ही नहीं सकता। और जब किसी नेटिव के चार्ट में ये योग नेटल चार्ट में है, जन्म कुंडली में होता है, तो उसको पुत्र संतान अवश्य होती है, क्योंकि सूर्य के ऊपर मेल प्लैनेट गुरु है। गुरु एक मेल प्लैनेट है, नारी ज्योतिष में गुरु को पुरुष ग्रह माना गया है और सूर्य को संतान कारक प्लैनेट माना गया है। और जब संतान कारक ग्रह पर पुरुष ग्रहों का प्रभाव आता है और वो भी गुरु जैसे ब्लेसिंग वाले ग्रहों का प्रभाव आता है, तो ऐसे में पुत्र संतान अवश्य होती है। अब इसी योग में आप देखिएगा इन लोगों की ससुराल भी बहुत अच्छी होती है, इनकी वाइफ भी बहुत अच्छी होती है। कारण क्या है? क्योंकि सूर्य के आसपास ही आपको शुक्र भी मिलेगा और शुक्र के ऊपर भी जब गुरु का प्रभाव होगा तो ऐसे लोगों की वाइफ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी मिलेगी। और उनका, क्योंकि ससुर भी सूर्य ही रिप्रेजेंट करता है, तो उनके ससुर, उनकी ससुराल भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। आप देखेंगे जिन लोगों के चार्ट में ये योग होता है उन लोगों को अपने जीवन के 36वें वर्ष में बहुत ज़्यादा तरक्की प्राप्त होती है।
उन लोगों के जीवन के 18, 24 और 36वें वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उससे पहले के पीरियड जो जैसे मैंने आपको बताया वो पिता को बहुत फ़ायदा देते हैं, और उसके बाद जैसे ही ज़्यादा 18 वर्ष का होता है उसके बाद 18, 24 और 36वां वर्ष उन लोगों के लिए सुनहरा होता है, आप ऐसे समझ कर चल सकते हैं। इन लोगों के पास धन की भी कोई कमी नहीं रहती, नेम फेम तो जनरली इनको मिलता ही है। फीमेल चार्ट में भी अगर ये योग होता है तो आप देखेंगे ऐसी लेडीज बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, मैनेजमेंट स्किल में एक्सपर्ट, इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं कि वो एक बड़े समूह को संचालित कर सकती हैं, किसी बड़े ऑफिस के बड़े स्टाफ को वो संचालित कर सकती हैं, पढ़ी लिखी मिलेंगी ही। और साथ ही आप देखेंगे ऐसी लेडीज को गहने इकट्ठे करने का, महंगी चीजें इकट्ठे करने का बहुत शौक होता है। ऐसी लेडीज अपनी फैमिली में चाहे वो ससुराल की हो चाहे वो मायके की हो दोनों में ही बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त करती हैं। ऐसी लेडीज को कहीं से कहीं तक आप ये नहीं देख सकते कि उनको रेस्पेक्ट में किसी तरह की कमी हो। मैं कह रहा था कि मैं एक ऐसी कंडीशन भी आपको बताऊंगा जिसमें ये योग बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि कई बार होता है मैं कोई योग आपको बता रहा होता हूं और उसकी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनमें वो योग कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देता, और अगर किसी नेटिव के चार्ट में वो पॉइंट्स होते हैं तो कमेंट्स में मुझसे अक्सर कहते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो इस योग का एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इस योग में अगर राहु का प्रभाव है, अगर इस योग में राहु का प्रभाव है तो ये योग अपना बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो इस योग के प्रभाव को कम कर देता है। अगर राहु का प्रभाव इस योग में है तो आप देखेंगे पिता की नेचर बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, जातक को हेल्थ इश्यूज मिलेंगे, उसकी वाइफ की नेचर बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। केवल एक राहु ऐसा ग्रह है जो इस योग में अगर इन्वॉल्व हो जाए तो इसके प्रभाव उल्टे हो जाते हैं। मैंने जो आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताए वो अगर आपके चार्ट में अप्लाई नहीं हो रहे तो आप देखिएगा राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं इस योग पर बहुत ज़्यादा होगा। अदरवाइज ये योग हमेशा बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, नेगेटिव रिजल्ट देते हुए देखा ही नहीं है। पराशरी में कहा गया है कि पंचमेश और नवमेश अगर युति में हो तो ये एक राजयोग है, और आप देखिएगा कार्य पुरुष कुंडली के पंचमेश और नवमेश गुरु और सूर्य ही हैं। पंचम भाव का स्वामी जहां सिंह राशि पड़ती है वो सूर्य है और नवम भाव का स्वामी गुरु है। तो इस वजह से ये योग किसी भी चार्ट में मिले, किसी भी लग्न में हो, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के योग हमेशा अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये किसी भी लग्न में गुरु और सूर्य की युति बन जाए जनरली अच्छी इफेक्ट देती है, मगर जैसा कि हमेशा कहा जाता है मित्र राशि में स्व राशि में अगर कोई योग बनता है तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देता है। तो इस योग के लिए भी ऐसा ही है, अगर गुरु या सूर्य की राशि में बने या फिर इनकी मित्र राशियों में ये योग बने तो इसके प्रभाव दुगने हो जाते हैं। मित्र लग्न में बने, मान लीजिए असीन लग्न में ये योग बन जाता है तो बहुत ज़्यादा और अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये योग अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव है। अगर आपके चार्ट में ये योग बनता है तो आपको इस योग ने किस तरह के प्रभाव दिए हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।